बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा आईकॉम पार्ट टू अकाउंटिंग का लेक्चर होगा। चैप्टर नेम डिप्रिसिएशन और ये लेक्चर नंबर 11 होगा। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो मशीनरी अकाउंट अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मैथड फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। वो कह रहे हैं मशीनरी अकाउंट बनाएं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। ओरिजिनल कॉस्ट यानी के सोफा मेथड, SOFA, और ये ओ से आता है, इट्स मीन ये कौन सा मेथड है, सोफा मेथड। फॉर 3 ईयर्स यानी अकाउंट 3 साल का बनाना है। ए पार्ट में कह रहे हैं मशीनरी कॉस्ट 2 लाख, 2 लाख की मशीनरी खरीदी है। एस्टिमेटेड लाइफ 3 ईयर्स, 3 साल चलेगी। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 33.1/3% पर एनम। और डी पार्ट में कह रहे हैं रिजिडुअल वैल्यू 20,000। स्टूडेंट्स, सोल्यूशन पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 का डेटा है ये सेम क्वेश्चन नंबर 10 का डेटा है, सिर्फ मेथड कौन सा है, सोफा मेथड। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब सोफा मेथड का क्वेश्चन हो और आपके पास डिप्रिसिएशन का रेट भी गिवन हो और रिजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू भी गिवन हो, तो आप रेट को इग्नोर करेंगे और जो सोफा मेथड का फॉर्मूला होता है एनुअल डिप्रिसिएशन का, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 यानी के लेक्चर नंबर 2 में भी किया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब रेट भी गिवन हो परसेंटेज में और एनुअल डिप्रिसिएशन के लिए रिजिडुअल वैल्यू भी गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, जो डिप्रिसिएशन का रेट होगा उसको इग्नोर करेंगे और जो फॉर्मूला होगा उसको अप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, रेट को इग्नोर करते हैं और फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, फिर जो वैल्यू आएगी हम हर साल वैल्यू में से वो माइनस करेंगे। आप यहां लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और पहले लिख लेंगे एनुअल डिप्रिसिएशन, एनुअल डिप्रिसिएशन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रिजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितनी है, 2 लाख है, और जो रिजिडुअल वैल्यू है वो कितनी है, 20,000, जिसका एक और नाम स्क्रैप वैल्यू होता है, और डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, कितने लाइफ है, 3 ईयर्स। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 लाख में से 20,000 को माइनस करने के बाद वैल्यू बच गई 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे यानी 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 60,000। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि सोफा मेथड के जरिए हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया और डिप्रिसिएशन के रेट 33.1/3% को इग्नोर किया, तो अब जब अकाउंट हम बनाएंगे तो हम हर साल जो डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे वो 60,000 की वैल्यू होगी। उम्मीद करता हूं आपको अब तक लेक्चर की समझ आ रही होगी, जो कि बिल्कुल सेम लेक्चर नंबर 2 की तरह है। अब स्टूडेंट्स हम यहां क्या बना लेंगे, मशीनरी अकाउंट। आप मशीनरी अकाउंट बना लेंगे, उससे पहले ये नीट वर्किंग है, मतलब ये क्वेश्चन का हिस्सा है, आपने वहां क्वेश्चन एग्जाम में ये लाजमी बनाना होता है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। अब हम फॉर्मेट बना लेते हैं, यहां क्या लिख लेंगे, डेट फिर डिटेल्स देन आफ्टर रुपीज और उसके बाद फिर से डेट डिटेल्स और रुपीज का कॉलम। स्टूडेंट्स फॉर्मेट तो आपको अब तक उम्मीद करता हूं आ चुका होगा, हमने फॉर्मेट बना लिया स्टूडेंट्स और हमारे पास डेट मेंशन नहीं है, तो आप यहां क्या लिख लेंगे, 1 जनवरी, और क्या लिख लेंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि मशीनरी कॉस्ट कितनी है, 2 लाख, यानी 2 लाख की खरीदी होगी, कैश पर खरीदी होगी, यहां लिख लेंगे 2 लाख। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यही 2 लाख यहां आ जाएगा और यही वैल्यू इधर भी आ जाएगी 2 लाख, और यहां क्या लिख लेंगे, 31 दिसंबर, और यहां लिख लेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट डिप्रिसिएशन में वैल्यू कौन से लिखेंगे, यस, कौन सी, जो ये आ चुकी है एनुअल डिप्रिसिएशन की 60,000। अब हमने हर साल यही वैल्यू माइनस करनी है बिकॉज सोफा मेथड है और फॉर्मूले के बाद जो वैल्यू आ चुकी होती है हर साल हमेशा हम वही माइनस करते हैं। ये जो लेक्चर है ये सेम लेक्चर नंबर 2 की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। अब 2 लाख में से क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 1,40,000, इसको क्या नाम देंगे, बैलेंस C/D। अब नेक्स्ट ईयर के लिए यहां लिख लेंगे 1 जनवरी
और वो जो बैलेंस सी बाई डी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, बैलेंस बी बाई डी 1,40,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यही वैल्यू इधर भी आ जाएगी और यहां भी आ जाएगी 1,40,000। अब यहां लिख लेंगे 31st December। अब इसमें क्या लेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट कौन सी वैल्यू आएगी डिप्रिसिएशन की, यस वही 60,000, यहां लिख लेंगे 60,000। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको भी माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो ऑलमोस्ट 80,000 वैल्यू बच जाएगी। इसको क्या नाम देंगे, बैलेंस सी बाई डी, यानी 2 साल बाद मशीनरी की वैल्यू 80,000 रह गई है, लेकिन अकाउंट कितने साल का बना रहे हैं, 3 ईयर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स ये जो बैलेंस सी बाई डी की वैल्यू है वो 3rd ईयर के लिए, यहाँ क्या वैल्यू बन जाएगी, बैलेंस बी बाई डी, और यहाँ लिख लेंगे 1st January। वो जो वैल्यू सी बाई डी की है वो यहाँ बन जाएगी बैलेंस बी बाई डी। अब यही वैल्यू इधर आ जाएगी और यहाँ पे भी यही वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें क्या लेंगे स्टूडेंट्स, डिप्रिसिएशन लेंगे 3rd ईयर के लिए, यहाँ लिख लेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट, लेकिन स्टूडेंट वैल्यू कौन सी आएगी, वही 60,000 की वैल्यू आएगी। अब क्या करेंगे, इसी 80,000 में से इसको भी हम माइनस कर देंगे, तो 80,000 में जब हम माइनस कर देंगे 60,000 तो वैल्यू बच जाएगी 20,000 और इसको नाम देंगे बैलेंस सी बाई डी। और यही स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी है 20,000। यहां तक हमारा लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।